रोजाना नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। चेस, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ हमारे पहले कैदी को मिलने के लिए। इनकी एक खासियत है, ये जोक्स मारते हैं, लेकिन अब ये नहीं पता कि ये लोग इनके जोक्स पे हंसते हैं या इन पे हंसते हैं। टू बी ऑनेस्ट, मुझे ये कभी फनी नहीं लगे। एक बार इनका वीडियो देखने की कोशिश की थी, इतना पक गई, फिर एक कुछ एडवर्टीजमेंट्स आए तो यार वो ज़्यादा फनी लगे मुझे। लेकिन मैंने सुना है ये मेरा काफ़ी मजाक उड़ाते हैं, पर देखिए आज क्या दिन आ गया है कि जो मेरा मजाक उड़ाते हैं आज मेरे ही जेल में मेरे ही कैदी बन के आ रहे हैं। तो बुलाइए पहले कैदी को। ये है हमारे पहले कैदी। मुनव्वर पे ये आरोप है कि उन्होंने लोगों की धार्मिक भावनाओं का मजाक उड़ाकर उनको ठेस पहुंचाई है। मुनव्वर, आज मुंह पे टेप लगा के आए हो, शायद इसीलिए अच्छे लग रहे हो। ये टेप पहले ही लगा लेते तो ये दीदी ना देखना पड़ता, आपको लॉकअप में बुलाना ही नहीं पड़ता। मजाक कर रही हो यार, हम भी तो जोक मार सकते हैं ना। मुझे पता नहीं था यहाँ पे बोलने की आजादी है या नहीं, तो आई वाज प्रिपेयर, बट आपने अगर बोला है तो मैं बोल सकता हूँ आगे। मुनव्वर, वैसे तो आप स्टेज पे बहुत परफॉर्म करते हैं जी, है ना, ये तो आपके लिए एक प्लेग्राउंड ही है, लेकिन ये आज पहली बार लॉकअप के स्टेज में आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, थोड़ा डिफरेंट है और पहली बार तो नहीं है लॉकअप, तो आई थिंक नेट प्रैक्टिस कर चुका हूँ। सही सही बताओ, यहाँ पे क्यों आए हो? मुझसे पंगा लेने के लिए तो नहीं आए? नहीं नहीं, आपसे पंगा लेने के लिए तो नहीं आया, बट आया हूँ अपनी बात रखने के लिए, लोगों को एंटरटेन करने के लिए, कि लोग देखते कि इसको कोई देखे ना तो मैं 24/7 दिखूंगा शायद, और आपके होने की वजह से शायद बॉयकॉट भी नहीं होगा। इसकी गारंटी मैं नहीं ले सकती। Let's see. देखो, वैसे तो सबको पता है कि तुम कितने पानी में हो। अच्छा। हाँ, लेकिन फिर भी I'm giving you 60 seconds. Okay. To impress the audience, to say what you want to say. Your time starts. Yes, so my name is Munawar Farooqi. I'm stand-up comedian. In मेरे 125,000 से ज़्यादा views है YouTube पे, almost 2 million subscriber. But लोग मुझे सिर्फ इसी नाम से जानते हैं कि मैं जेल गया था। मैं जेल जाने के बाद जब बाहर आया, चीजें बहुत बदल गई है। लड़कियां पिकअप लाइन भी इस तरह के यूज करती है कि आर यू बारटेंडर बिकॉज़ यू ऑलवेज बिहाइंड द बार्स। और जब ओल्ड बालाजी की बात है तो बालाजी टेलीफिल्म्स के जब शो आते थे, सास भी कभी बहू थी, तो देखो ये कितना डिफरेंट है वहां से, कि जहां लोग डेली सोप की बात करते थे अब सोप गिराने वाला शो बना रहे। जब मुझे ये शो ऑफर हुआ तो ओल्ड बालाजी ने जब शो के लिए बोला तो मुझे लगा कि शायद ओल्ड बालाजी पे जिस तरह के शोज आते हैं, क्योंकि मैं बचपन में सास भी कभी बहुत ही देखता था, और जब जवान हुआ तो ओल्ड बालाजी देखने लगा, तो मुझे लगा इसी तरह के कोई शो के लिए ऑफर क्या होगा, बिकॉज़ आई वाज आल्सो फक्ड दैट टाइम। बट उन्होंने मुझे जैसे ही कॉन्सेप्ट बताया कि ये लॉकअप कॉन्सेप्ट है, तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हुआ कि पुलिस वैन से तो मैं जा चुका हूँ एक बार लॉकअप, वैनिटी वैन से कभी नहीं गया, तो आई थिंक ये चांस लेना चाहिए। मैं यहाँ किसी को बुलाना चाहती हूँ जी, जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, है तो वो भी कॉमेडियन लेकिन उनका अंदाज थोड़ा अलग है। अच्छा, प्लीज आ जाइए। हाय हाय हाय, हेलो सुदीप। हाय, हेलो हेलो सर, हाउ आर यू? सुनील जी, आप क्या आप एक दूसरे को जानते हैं? उनको जानता हूँ मैं अच्छी तरह से। अच्छा, अच्छी जी, मैं भी जानता हूँ। आप भी जानते हैं जी? टीवी था हमारे घर, टीवी देखा ना जी? जी, आपका शो टीवी पे देखा। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप दोनों ही लोगों को हंसाने का काम करते हैं, लेकिन आप दोनों के तरीके बहुत अलग हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप उसके बारे में? जैसे कि हमने अपने गुरुओं से सीखा है, दिल, दिमाग, आंखें, आवाज, नेचर, नियत और कंटेंट हमेशा साफ सुथरा होना चाहिए, क्योंकि जो ऑडियंस है ये पब्लिक है, ये सब जानती है, ये पकड़ लेगी आपको, ये जनता हवलदार है, ये हंसते हैं तो हमारे घर बसते हैं। इन्होंने तो बता दिया इन्होंने अपने गुरु से क्या सीखा, आप बताएंगे आपके गुरु ने आपको क्या सिखाया? मैंने सड़कों पे सिखाया तो कोई गुरु नहीं था, बहुत बहुत शुक्रिया, बट लेकिन वो दिखता है। हाँ, पूरा दिखता है। दिखता है, वो तो दिखना भी चाहिए, क्योंकि पूरा 80% हिंदुस्तान सड़कों पे है। नहीं, 80% तो नहीं है, 80% है। नहीं, अभी तो स्वच्छ भारत है। रास्ते पे रहने वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, सड़कों से सीखने वालों की बात कर रहा हूँ।
एजुकेशन उतना नहीं है ना, तो मैं हाँ ये कह रहा था कि अगर साफ सुथरा ही सब कुछ बनने लगा तो शायद ऑल्ट बालाजी, आई एम सॉरी, और आपके हिसाब से मुझे लगता है सेंसर बोर्ड का कोई काम ही नहीं है इंडिया में, क्योंकि सबको साफ ही देखना है और साफ ही बनाना है, तो सेंसर बोर्ड हटा देते हैं। देखिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं होता है कि आप हर तरह से आज़ाद हो जाओ। फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब होता है कि आपकी बात से समाज को एक अच्छा संदेश, अच्छा मैसेज जाना चाहिए। अभी जैसे हम लोग अभी शोज़ करने जाते हैं कई जगह पे, अब वो लोग डरे हुए हैं इन लोगों के कारनामों से, अब डर गए वो लोग, कहते हैं कि भाई सुनील जी ये बात आप आज के शो में कुछ ऐसा तो नहीं करोगे। मैंने कहा कैसा, बोले वैसा, इतना डरे हुए हैं ये लोग। तो क्या करते हैं जब ऑडियंस के सामने जाते हैं तो ऑडियंस का भी अपमान करते हैं, ऑडियंस को तू क्या करता है, तू क्या करता है, तेरा क्या है, तेरा क्या है। मैंने कहा ऑडियंस का तो सम्मान करो, वो टिकट खरीद के आई है, लेकिन बाद में पता चलता कि सम्मान तो वही करेगा जिसका सम्मान होगा। अब आई वॉन्ट टू ओपन द स्टेज फॉर मीडिया ट्रायल नाउ, आप प्लीज इन दोनों से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जी प्लीज। मुनव्वर, आप कुछ ही क्षणों पहले कंगना ये कह रहे थे कि इनके 128 कुछ व्यूज आ गए, मिलियन व्यूज होंगे, लाखों व्यूज होंगे, राइट? मुझे लगता है कि शायद आपको जो व्यूज आए हैं इसलिए नहीं आए क्योंकि आप कमेडियन हो और लोगों को हंसाते हो, शायद इसलिए आए हैं क्योंकि आप सेंसेशनलिज्म यानी गालियों का उपयोग करते हैं। आप कभी वो मूवी देखने नहीं जाते जो ए सर्टिफिकेट होता है जिसमें गाली होती है रिव्यू के लिए? जी। जाते हो या नहीं जाते? जी जी जाता हूँ। तो आप क्यों जा रहे हो? देखो, आपका काम है, राइट? हम ये सारा कॉन्फ्लिक्ट आज यहीं पे ही खत्म करते हैं। और देयर आर टू काइंड ऑफ कॉमेडियंस, एक तो एक कॉमेडियन होते हैं, एक एडल्ट कॉमेडियन होते हैं। सही बात है ना, तो आपको एडल्ट कॉमेडियन कहा जाए तो चलेगा या मॉडर्न स्टैंड अप? क्योंकि हम जो टिकट एडल्ट से ज्यादा वल्गर कहा जाए, हाँ सर, वो आप डिसाइड नहीं कर सकते, तो वो डिसाइड करने के लिए जनता नहीं, तो आप जिसके लिए कर रहे हैं। जी सर, तो समाज में मैं भी आता हूँ ना। हाँ तो सर, तो डिसाइड कर सकता हूँ। हाँ सर, आप मेरे लिए, आप अपने लिए डिसाइड करिए, आपको नहीं पसंद, आपको वल्गर आप लगता है, लेकिन कर रहे हैं। सर मेरी बात तो सुनिए ना, सर मेरी बात तो सुनिए। हाँ तो मेरी बात सुनिए, जो टिकट खरीद के आता है ना उसमें चीजें रहती है कि आप जो शो पे आ रहे हो आप उसके जिम्मेदार हो, उसकी पूरा लीगली सब कुछ रहता है। और फ्रंट रो में जो आके हमारे शोज में बैठता है ना, दे वॉन्ट अस टू टॉक टू देम, दे ब्रिंग देयर फ्रेंड्स, के वी कैन रोस्ट देम, दैट्स द फॉर्मेट ऑफ द शो, दैट्स द फॉर्मेट ऑफ द कॉमेडी, क्राउड वर्क, इम्प्रूव कॉमेडी। और उस क्राउड वर्क नाम का एक फॉर्मेट है जो काफी चलता है वेस्टर्न कंट्रीज में, इंडिया में भी काफी चलता है। मेरे क्राउड वर्क पे भी 10 मिलियन व्यूज है और उसमें कोई गाली भी नहीं है और उसमें सिर्फ इम्प्रूव कॉमेडी है, जगह पे बनाई गई, एक ही जोक पुराना एक सेट लेके वही घीसा पीटा हम नहीं करते। तो ये फॉर्मेट है सर, सबका अपना अपना तो स्टाइल। आपका मतलब है कि सुनील जी घीसा पीटा कॉमेडी करते हैं? मेरे शो पे सर 18 प्लस का ये रहता है कि 18 प्लस ही ऑडियंस अलाउड है। तो आतंकवादी को भी लगता है कि मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, उसकी भी अपना, उसका भी अपना ग्रुप होता है, उसके भी अपने फॉलोवर्स होते हैं, उसके लोग ही हर आर्गुमेंट में आतंकवादी कहां से आ जाते बीच में? मेरा कॉमेडी की बात चल रही है, आतंकवादी दे रहे हो, बुराई दे रहे हो, अरे समाज। ओके, आई थिंक ये टॉपिक जो है, लाइक आई सेड, यहाँ पे वही होगा, ये मेरी जेल है जो मैं कहूंगी। एंड मैं चाहती हूँ कि भूपेंद्र जी अब एक प्रश्न पूछे। कहा जाता है डॉग बाइट्स मैन नो न्यूज, मैन बाइट्स डॉग बिग न्यूज, सडनली हर आदमी देखने लगता है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जब तक कोई इंसल्टेड नहीं होगा क्या तब तक कॉमेडी नहीं होती है? क्या आज की डेट में मशहूर कॉमेडी का क्या ये सिस्टम है क्या? 10 साल पहले भी ये सब होता था, 10 साल पहले भी इस तरह के जोक बनते थे। अगर ट्विटर और ओपिनियन उस वक्त उतने स्ट्रांग होते ना तो ये लोग भी कहीं ना कहीं फंसे होते उस वक्त। अगर उस वक्त भी इन्होंने कुछ ना कुछ तो ऐसा बोला ही होगा जो प्रॉब्लमेटिक हो गया, औरत को मोटी बोल दिया होगा, काली बोल दिया होगा, जो कि तब फनी लगता था, बट अभी आ जाओगे तो लेफ्टिंग तुम्हारे को भगा देगा। आप अपने आप को कॉमेडी का किंग कहते हैं, तो आपको हक है कि आप कंगना जी के भी खिलाफ बोलें, आपको हक है आप हमारे भी खिलाफ बोलें, लेकिन हम अगर कुछ बोलें कुछ तो आप कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच पे असॉल्ट है। ये तो बड़ा विरोधाभास वाली बात है। सर मैंने आज तक ऐसे नहीं कहा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच ये है और आप लोग मेरे पे इस तरह के आरोप क्यों लगा रहे हो, मैंने आज तक नहीं बोला है। जिन्होंने मुझ पर केस करा उनका भी नाम मैंने कभी नहीं लिया। तो पहली बात ये कि बिल्कुल एक लॉ है, अगर आपको कुछ ऑफेंड करती है तो इसके लिए लॉ है, आप जाइए कोर्ट में, ये वो। आप किसी को मारने की धमकी मत दीजिए ईमेल पे, आप मेरे को धमकियां मत दीजिए मेल पे, कमेंट में, सेक्शन में, इसमें उसमें, मेरे शोज कैंसिल मत कराइए ऑर्गेनाइजर को कॉल करके कि तेरा सेट हम जला देंगे, तेरा ऑडिटोरियम जला देंगे, उससे प्रॉब्लम है सर, FIR से प्रॉब्लम नहीं है सर। मैं आपके कॉन्वर्सेशन में इतनी बारी कि इतने सारे लाइक्स है, इतने सारे ये है, आपका मकसद क्या है? कॉमेडी से चेंज करना है कुछ या सिर्फ लाइक्स? नहीं नहीं, मुझे कॉमेडी से कुछ चेंज नहीं करना है, कलाकार क्रांति नहीं ला पाया आज तक, हिस्ट्री उठा के देख लो। मुझे सिर्फ लोगों को हंसाना। अरे अरे जी, अरे जी क्या कहा आपने? कलाकार क्रांति कलाकार क्रांति कलाकार क्रांति नहीं ला पाया।
मैं मेरे दिमाग में अगर यहाँ पे सजाए मौत होती तो शायद इनको दे दी जाती। अरे मैं वही बोल रहा हूँ, क्रांति लाने कलाकार क्रांति ला सकते हैं, कलाकार क्रांति ही लाते हैं। कला का मकसद ही ये होता है, चाहे वो नारी सशक्तिकरण हो, चाहे वो इक्वल पे हो, चाहे वो फाइट अगेंस्ट नेपोटिज्म हो या इक्वल अपॉर्चुनिटी हो, चाहे वो नेशनलिज्म हो, कलाकारों पे ही ये दायित्व होता है कि वो क्रांति लाएं। वेरी गुड, आपका डेफिनेशन अलग है क्रांति का शायद। टोटलिटी में बात ये है कंगना जी, मुझे सिर्फ यही कहना है कि इन्हीं पर किन केस होते हैं। 25 साल से हम लोग कर रहे हैं, मैंने मुख्यमंत्री साहब के सामने भी किया है, मैंने बच्चन साहब के सामने भी किया, उन्हीं की नकल की, उन्हीं की बातें की, मुझे अप्रिसिएशन मिला, तालियां मिली, इनको जेल क्यों मिल जाती है? अमिताभ बच्चन सर के भक्त नहीं थे ना, इसलिए भक्त क्यों नहीं है? आपके मन में कहीं ना कहीं इतना स्वार्थ भरा हुआ है कि भाड़ में जाए जनता, अपना काम बनता, मैं गाली गलौज करके सिर्फ व्यूज ले लूं, तालियां ले लूं, इसका समाज पे क्या असर पड़ता है? फिर सफाई में क्या करते हो तुम लोग? और ये सब तो देखते, कोई नहीं देखता भाई। आपके परिवार को मैं हंसा सकता हूँ, मेरे परिवार को तुम हंसा नहीं सकते, और तुम में से किसी की औकात नहीं हंसाने की। तुम लोग बस सर औकात की बात नहीं होती है। औकात तो सॉरी मैंने शब्द गलत इस्तेमाल किया। जी जी जी, आप बड़े हो तो मैं सामने ओवर यूज नहीं कर सकता, डिक्शनरी में ही नहीं, तुम्हारे लिए है ही नहीं। जी जी, मैं वही चाहता हूं, मैं उनको ही हंसाना रेफर करता हूं जो टिकट खरीद के आए, घर जाके नहीं हंसा दो। बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, थैंक यू सो मच। थैंक यू मच। थैंक यू। मुनव्वर, आपने जो बोलना था बोल दिया, लेकिन हमने जो सुनना था हमने सुन लिया, और बाकी जो नहीं सुनना था उसे इग्नोर कर दिया। और आपको 10 हफ्ते की सजा सुनाई जाती है लॉकअप में, लेकिन ये सिर्फ सजा नहीं है, ये एक बहुत बड़ा मौका है आपको अपनी बात दुनिया के सामने रखने का, अपना पक्ष रखने का। और आप एज अ हीरो इमर्ज होंगे या एज अ विलन, वो सिर्फ आप डिसाइड कर सकते हैं और कोई नहीं। क्या मैं रख लूं? नहीं, मैं मजाक नहीं कर रही, मैं बता रही हूं आपको, मैं ये रखने वाली हूं, क्योंकि आप लॉकअप का टिकट कटवा के जा रहे हैं, कहीं यूरो ट्रिप पे तो नहीं जा रहे ना? हाँ हाँ, रख लीजिए। राइट, और मेरे लॉकअप में आप सिर्फ 3 चीजें लेके जा सकते हैं, और बाकी सब मैं रख लूंगी। इसमें से मैं सिर्फ 3 चीजें निकाल सकता हूँ? ओके, तो आप बताएंगे आपने 3 चीजें क्या चूज की है? पहले तो एक टी शर्ट है, द रीजन फेवरेट टी शर्ट है, कलर अच्छा लगता है, और ये वही टी शर्ट है जो मैंने एक ऑडिटोरियम में पहना था, 3 घंटे परफॉर्म करने के बाद स्टैंडिंग ओवेशन मिला था, इंक्लूडिंग फैमिली ऑडियंस। और ये है नमाज की टोपी है, और ये नमाज पढ़ने का मैट है, मुसल्ला। अरे वाह, ग्रेट मुनव्वर, थैंक यू, एंड आई होप आप इस मौके का फायदा उठाएंगे जरूर, और अपने आप को सही साबित करेंगे। दिस इज कंगना रनौत एंड दैट वाज माय टाइम विद यू। थैंक यू सो मच। हाँ भाई, क्या नाम है तुम्हारा? जीत, वो शाम में ना सेवपुरी लाके दोगे क्या? सेवपुरी? My name is Munawar Farooqi. G4, G4, G8. मतलब तुम लोग 8 भाई हो? किसी फटके देके निकल लूँ यहाँ से तो, बट मैं कानून के खिलाफ कुछ काम नहीं करता, ठीक है? New food, shoes. जल्दी नहीं आऊंगा बाहर। भाई भाई, कैसे हो? हेलो। अच्छा,
अब हंसोगे नहीं, मैं हंसा के जाऊंगा तुम्हारे को, टेंशन मत लो। ओ क्या सही जगह ये। इतना अच्छा लॉकअप बना दिया, अभी डर लग रहा है कि चीजें मुश्किल कर देंगे ये लोग। यस तो दोस्तों, वेलकम टू मुना और फारूकी व्लॉग, लॉकअप व्लॉग, और यहां हम आपको सिखाने वाले जेल में रहने के 50 हैक्स। ये मजाक नहीं है मेरे लिए, क्योंकि डेजा हो रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे मैं अकेला हूँ, वहां पे बहुत सारे लोग थे, और मजा आएगा। जो लोग आएंगे ना अभी, मुझे लगा मैं पहले ही हूँ क्या। तो दोस्तों शुरू करते, तो अभी जो भी आएगा मैं उसको बोलूंगा फर्स्ट टाइम, बिकॉज आई एम नॉट फर्स्ट टाइम। अच्छा सुनो, तुम मेरे को ऐसा कुछ कर दिया जो नहीं करना चाहिए, तो कुछ ऐसा मारोगे यारोगे तो नहीं ना। ओके दिस इज द जेल। नो ओके, ये एक कंपार्टमेंट है जिससे मेन एरिया में, ओके द मेन एरिया इज लाइक डाइनिंग एरिया। वो मग्गे तो बजा सकते, खाना दो वैसे वाले। ओ भाई पानी के मटके रखे हुए लोगों ने। ओ जेल में लॉक लगा के रखे हो, और उसके अंदर एक किचन बनाया और उसमें भी लॉक लगा के रखा है। देखो मैं सुबह से कुछ खाया नहीं हूं प्लीज। जेल रूल्स, जेल को साफ रखने की जिम्मेदारी कैदियों की है। नहीं पढ़ना चाहिए था मेरे को, भाई मेरे को नहीं पढ़ना चाहिए था, मेरे को कमर दर्द है, तुम ये झाड़ू पोछे कराओगे यार नहीं। ओ ये खुला है, आ जाओ आ जाओ। टेडिंग टेडिंग टंग टा 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 टडंग टडंग टंग टंग टडंग 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 टंग। भाई पहले तो ये एक मिनट, ऐसी कैसी सलाख है भाई, ऐसे निकल के आ सकते क्या? ये हैक, ये भी हैक है। कम खाओ, सुबह से मत खाओ, जेल के अंदर कहीं भी आ जा सकते हो, किसी भी कंपार्टमेंट में, सॉरी कंपार्टमेंट नहीं होते, बैरिक होते हो, और यहाँ पे लेफ्ट ब्लॉक राइट ब्लॉक। ओह राइट ब्लॉक लेफ्ट ब्लॉक राइट लेफ्ट, ये वही राइट लेफ्ट तो नहीं है? पता नहीं है कंटेस्टेंट कौन आ रहे भाई, यहां से ही चलेंगे। इतना बड़ा रख दिया भाई, मैं सफाई नहीं कर रहा। यस झोलघर है विजय माल्या। ओ विजय माल्या झोलघर, विजय माल्या को इंडिया लाएंगे तो इसमें रखेंगे। Oh. Oh, thank God. Hello. Hi, Saisha. Munawar. Listen. आपको घर देखना होगा एक मिनट के अंदर ही। क्यों? एक मिनट के अंदर, उसके बाद आपको लकड़ी की जगह पे बैठ जाना है। ये क्या बात हुई? मतलब I'm supposed to see the house and then just लकड़ी पे कोई सो जाओ? मतलब कोई भी लगड़ा, आप बाहर बेंच पे बैठ सकते हो या यहाँ पे बैठ Quickly सकते हो। seat and then do this. जल्दी, like 1 minute, वो बजर जो बजा ना, 1 minute you have to see the house. हेलो कैसे है? राम 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 राम। कैसे हो? मैं स्वामी चक्रपाणी महाराज। स्वामी चक्रपाणी महाराज, कैसे हो सर? बढ़िया, आपका क्या? मेरा नाम है मुनव्वर। अरे वाह मुनव्वर जी, आइए वेलकम। आपको फटाफट घर देखना होगा और हाँ। कोई भी लकड़ी की चीज पे पैर जमीन पे नहीं रखने और लकड़ी की चीज पे बैठना है। ओ तो वो है, तो वो कर लीजिए थोड़ा। Want to sit here? How do I know it's not some task you are doing? It's okay, it's your wish. आते ही लकड़ी पे सो जाओ। मुझे कोई शौक नहीं है, मुझे भी घूमने का मन है। पर तुमको टास्क हो तो मुझे बोला है कि फर्दर इंस्ट्रक्शन तक सब लोग जमीन पे पैर नहीं रखेंगे।
तो सबको अनाउंस करेंगे ना, फिर एक को बता के क्यों बोलेंगे? ठीक है, आप मत करो, आप मत मानो, मुझे कुछ नहीं लेना देना इससे। देखते हैं आपको कुछ मिलेगा क्या, मैं बैठूंगी। यू आर अ स्टैंड अप कॉमेडियन, यू आर डैम चालू स्टैंड अप कॉमेडियन। यू विल स्टैंड अप, यू मिसलीडिंग विद पॉलिटिशियंस। आई सेड आई एम स्टैंड अप कॉमेडियन, नॉट पॉलिटिशियन। नो नो नो, आई लाइक योर वर्क, सो पर मैं नहीं बैठने वाली इतनी जल्दी। अच्छा, यू नो आई एम स्टैंड अप कॉमेडियन? ऑफ कोर्स। अच्छा, नाइस। व्हाट डू यू मीन ऑफ कोर्स? हैव यू सीन माय वर्क? या लाइक इट? या थैंक यू। सब लोग कुछ ज्यादा ही एनर्जी में है, समझ रहे हो? कुछ ज्यादा ही एनर्जी में है लोग, ऐसे लग रहे हैं जंग ही होगी डायरेक्ट। नहीं नहीं भाई, ऐसे जंग वंग नहीं हो रही है, शांति रखने का, अभी देखने का। लोग सच में इतने मिठे है या फिर एकदम कवर है ये सब, शुगर कोट? तो मेरे ख्याल से धीरे धीरे ये कोट उतरेगा और नंगी होगी पब्लिक, देखते। अरे 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 अरे, डे टू शुरू ही हुआ है झगड़ों से, नॉट झगड़े बट कंप्लेंट से। कंप्लेंट तो ऐसे कर रहे जैसे फाइव स्टार में आए थे और इनको बोला कि फाइव स्टार नहीं है सर, सॉरी। ऐसा कौन कंप्लेंट करता है, जेल है यार। बहुत हो गया तुम लोगों का, ये मैं पहली बार रियलिटी शो कर रहा हूँ इसलिए आपको पता नहीं, तो मेरे को पता नहीं है घंटा यहाँ पे क्या होने वाला है, लेकिन मेरा मूंग दाल हलवा मेरे को चाहिए। गुस्से में बोल रहा हूँ, मूंग दाल हलवा चाहिए मेरे को, ताकि ज्यादा वजन लगे बाद में। तू वो ज्यादा गुस्से वाला दिख रहा है जो हर चीज पे तनक जा रहा है, और मैं अभी भी तेरे को बोल रहा हूँ ये वो शो नहीं है जहाँ पे तू पावर दिखा के जीत जाएगा। यहाँ पे बहुत दिमाग का टेस्ट लेंगे, बहुत पेशेंस का टेस्ट लेंगे, और तेरी और उसका जो झगड़ा है ना, वो तुम दोनों को गलत फ्रेम में दिखा रहा है बाहर। देख, सबके बीच में आर्ग्यूमेंट हुई है, पायल के बीच में, इसके उसके, सबके बीच में हल्की हल्की हुई है, बट तुम लोग दो आज जो लेवल पे गए ना, वो लेवल से तुझे जो घर में बाकी लोग जो पसंद कर रहे हैं ना, तेरे लिए वो भी मैटर करता है। भले तू पसंद ना हो, इसकी भाड़ में क्या, तू भले पसंद ना हो, सब लोग ये सबके नॉमिनेट करने का रीजन ये है कि सब लोग ये घर में ये माहौल नहीं चाहते। हम क्यों दोस्ती यारी मजाक मस्ती क्यों कर, वी वांट टू हैव फन, वी वांट टू हैव फन। बाहर ना बाहर कॉन्टेंट जाना चाहिए, बाहर एंटरटेनमेंट जाना चाहिए, बाहर लोग बोले भाई रोज साढ़े नौ या पूरा दिन जब भी टाइम मिले ना, बोले ये खोल के देखो मजा आ रही है। एक वर्ड तेरा तूने जो बोला उसकी वजह से देख, उसको कोई कुछ नहीं बोल रहा, तेरे को आके लोगों ने नॉमिनेट किया। अब तू ये सोच ले, कोई बात नहीं, सोच सुन, नहीं 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 उसमें मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, बोल ही नहीं रहा हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ कि आई लीव इट टू ब्रो। सुन, यहाँ पे इतने लोगों में मेजोरिटी में जो एक्सप्रेशन गया है तेरा, समझ, बाहर भी मेजोरिटी ऐसी ही सोचती है। तेरी सबसे ज्यादा बात किसके साथ हुई है? तेरे साथ है। किसके साथ तू बैठा सबसे ज्यादा? तेरे साथ है। मेरे को मालूम है तू वैसा नहीं है, तू बहुत भोला है, बहुत भोला है। हल्के शब्दों में भी तू अपना ओपिनियन रखेगा ना, तब भी उसका वजन वही रहेगा, या गाली देके बोलेगा तब भी उसका वजन सेम रहेगा। बट यहाँ पे तू ये देख के तेरे को अपॉर्चुनिटी मिली है, यहाँ से बाहर लोग तेरे को पसंद ही करने चाहिए। तेरे को लग रहा है मैं उसको अगर डिफेंड करना है तो अपन ये बात नहीं करते आगे? मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा, मैं उसको डिफेंड करने नहीं आया हूँ। आई नो, उसने जो मेरे को बोला, नहीं ब्रो, आई वांट टॉक, उसको वहां तक मैंने कन्विंस कर लिया कि हाँ ही विल टॉक। यहाँ तक मैंने उसको कन्विंस कर लिया, अभी जो कुछ भी हुआ उसको रफा दफा करो। सेंसिटिव उसके फादर का जो है, को पता नहीं था ना भाई, समझ ना, अब पता है ना, अब नहीं बोलूंगा मैं, बट उसके लिए वो चीज सेंसिटिव है बराबर। उसने कोई भी वे में लिया जिसकी वजह से उसका रिएक्शन निकला उस पे जो आ रहा था वो, तो मैंने उसको पहले ही रोका कि तू तू इतनी छोटी चीज में मारने तोड़ने के लिए जा सकता है, तो इस तरह तो घर का माहौल कोई नहीं भाई, कोई नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं, अभी तो अब कल देखेंगे, अभी आज का रोज हो गया। आखिरी में ही बोल रहा था, आज जो कुछ भी हुआ उसको खत्म कर, दिमाग में दिल में मत रख, भले तीन चार दिन के बाद तुम लोग के बीच में कुछ हो के भाई झगड़ा हो गया तब भिड़ जाए, लगे तो उसने कुछ गलत बोला तो भिड़ जाए बराबर, वो बात अलग ही है, लेकिन अभी एक बार बात कर ले कि आज जो कुछ भी हुआ, नहीं आज नहीं, अब सुबह बात करेंगे, कर अभी नहीं, ना, ना, मैंने उसको रोक के रखा। इस दुनिया की कोई ताकत मुझे उससे बात करने के लिए नहीं पूछती, मैं कल बात करेंगे, कल बात करेंगे, अभी जो बात अभी हो रही है अपन तीन में रहनी चाहिए, पूनम के साथ शेयर कर, टास्क चल रहा हो ना, पता नहीं टास्क क्या, टास्क चल रहा हो या कुछ भी हो ना,
तू और शिवम, अगर तेरे को लग रहा है ना कंट्रोल नहीं करना टास्क की वजह से, पिट जाना, मारना नहीं. यू जस्ट हैव टू डू उंगली टू हिम, उंगली करना है तेरे को, उसको खाली पोक करना है. ये सब नहीं करता मैं इसकी तरह. ब्रो यार क्या तू क्या ऐसे करता नहीं है. नहीं ऐसे अभी तूने अभी कैसे बोला बच्चा मत बोला कर मेरे को, अभी तूने बोला ना शिवम रिक्वेस्ट है बच्चा मत बोला. हाँ तो टास्क चल रहा है, टास्क के अंदर कुछ ऐसा बोल नॉर्मल वे में जो उस पर कुछ बोले और फिर तू उस पर ऐसे रिएक्ट करे, तू ऐसा रिएक्ट करे अबे चाह पे अरे छुप रहे अबे ये करे तू उंगली 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 अच्छे वे में कि तू वो ऐसा भड़के तू भी भड़क थोड़ा उस वे उस टाइम पे. उनकी टीम को नहीं पता है ये मना है फुसफुसा ना, उनकी टीम को नहीं पता है. बोलो तहसीन सबसे पहले तहसीन उसको रोकेगा, स्वामी जी उसको पकड़ेंगे. अपनी टीम को पता है कि अपने को उसको पकड़ना नहीं ना देखो पकड़ना है, तू अपनी लाइन क्रॉस नहीं करने वाला है. हम लोग टास्क कर रहे हैं, हम लोग पूरा दिमाग से टास्क जीत सकते हैं, क्योंकि एक मोमेंट ऐसा आएगा जहाँ पे उनको डिस्ट्रैक्ट करने की जरूरत है और उस वक्त तेरा उसका झगड़ा पूरे घर को डिस्ट्रैक्ट कर रहा है. लेकिन ये पांच जन डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे क्योंकि हमको पता है कि ये झगड़ा हमने प्लान किया है. ये अपना साइन लेगा वो लैंग्वेज बन जाएगा थोड़े दिन में, तो ऐसा टक टका टक करके बात भी कर सकता है. ये एक बार ऐसे किया ना मतलब उठो, कभी बोला ऐसा ऐसा एक बार करेगा उठो, दो बार करेगा बोले बैठो. लैंग्वेज नया लैंग्वेज बनाएगा बोल टका टकी लैंग्वेज. तो बात ये है कि हाइजीन तो समझ आता है, उनको लगा कुछ चीज़ें दे देते हैं और कुछ चीज़ें रहने देते हैं, तो धीरे धीरे तरसा के वो लोग आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे. मुनव्वर पांच आई थी तो नमाज पढ़ेंगी. वी ट्राई नॉट टू टॉक. कौन जब तू नमाज पढ़ता है वी ट्राई नॉट टू टॉक. अगर बात भी कर रहे अगर कोई बोल अगर तू बोल दे भाई दो मिनट में नमाज पढ़ रहा हूँ हम चुप रहेंगे. आई रिक्वेस्टेड देम, आई रिक्वेस्ट, आई डिडंट हैव टू रिक्वेस्ट यू, आई थॉट यू विल अंडरस्टैंड. लेट मी फिनिश माय पूजा एंड देन यू कैन. मुझे मुझे नहीं था, मुझे लगा तू मेडिटेशन कर रहा हूँ. मेडिटेशन भी भाई अगर मैंने बोला है गिव मी टू मिनट्स. आई होप यू वुड अंडरस्टैंड. मुझे लगा तुमने ऐसा बोला, मुझे लगा तुमने उनको ये कहा कि थोड़ा स्लो बात कर लो, इसलिए फिर मैंने स्लो बात किया. भाई भाई इतना भी तो समझदार नहीं है ये मैं समझता हूँ. मैं वही बोल रहा हूँ, मैं मुझे समझ अगर मैं तेरी रिस्पेक्ट कर रहा हूँ जब तू करता है when you do it, I always keep quiet. इसलिए मैंने इनको बोला रिक्वेस्ट किया दो मिनट दे दो deliberately spoke, I can get that vibe. So I request you when I'm doing something and if I say it, के मत बोलो आप बोलो फिर stay silent. हाँ तो मुझे ये लगा इसलिए फिर मैंने क्या किया कि चिल्लाऊं नहीं और मैं धीरे से उसको बताऊं कि ये हुआ तो ये हुआ, तो मैं वो धीरे से बात कर रहा था. मुझे उससे कैसे वो इशू होगा कि अगर मैंने ये सुना होता कि दो मिनट चुप. हाँ तो मैंने वो जान भाई समझ दिया, समझ लिया ना तूने मैं क्या बोलूं. मैंने जानबूझ के नहीं किया. बस नेक्स्ट टाइम इफ आई से समथिंग टू समबडी एल्स, इतनी रिस्पेक्ट होती है दूसरे पर्सन की भी कि समझ जाए. अरे मैंने मैं समझदार है मैं मानता हूं तो बहुत समझदार. हां तो मैं वही बोल रहा हूं मैंने वो जानबूझ के नहीं किया. चलो नो प्रॉब्लम. हां ये मूवमेंट का एक कोई नाम होना चाहिए. हाँ ये होगा मूवमेंट का, ये होगा मूवमेंट का हम नाम रख रहे हैं. ये मूवमेंट का नाम होगा क्योंकि हम जेल में लॉकअप में तो लॉकअप से लेकर ये होगा क्योंकि कैदी भी कभी इंसान था. ये अच्छा है, ये अच्छा है. कैदी कभी बोलो तू की सास भी कभी क्योंकि कैदी भी कभी हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, क्योंकि कैदी भी कभी इंसान था, कैदी भी कभी इंसान था. मैं भी बोलूं तुम भी बोलो कभी कैदी भी इंसान था, मैं भी बोलूं तुम भी बोलो कभी कैदी भी इंसान था. हमारी मांगे पूरी करो.
हमारी मांगे पूरी करो। मैं भी बोलूं तुम भी बोलो कभी कभी क्योंकि कैदी भी। बेनकाब जोन ये वो ये बगावत जोन है आज। फालतू का खाली खोटा कुछ नहीं। फेस वॉश ये वो हाँ नेसेसरी चीजें हैं बट इतनी भी जरूरी नहीं कि हड़ताल कर लो। सीधा सीधा रूल फॉलो करो, रूल फॉलो करो शाम में मिल जाएगा थोड़ा सबर। अत्याचारी जेल ऐसी थोड़ी है, सब दे देवे तुम्हारे को लग्जरी। फाइव स्टार रेटिंग भी दे देते ना, लाओ दे दो मोबाइल हम रेटिंग भी दे देते। वो लॉकअप फाइव स्टार बढ़िया जगह बहुत मजा आया। नहीं ना अत्याचारी खेल है तुम मत भेजो। मैं तो ऐसे ही कर रहा हूँ ये सब, मेरे को कुछ नहीं है, मेरे को कुछ नहीं मिल रहा, मैं तो खाली मजे ले रहा हूँ। सबको मैन्यूपुलेट कर दो, सबको करवाओ कि सब करेंगे, सब हड़ताल पे, सब सो जाओ। देख लो सजा देना, मेरे को मत देना क्योंकि पता है मैं दिल से नहीं कर रहा हूँ। हाँ दिल से नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम लोग के लिए कर रहा हूँ, ये तुम्हारे कैमरास के लिए कर रहा हूँ। जो लोग मन में आ चुके हैं उनको भी तंग से हराना है बस। मुनावर अपने टारगेट का नाम लीजिए। सारा अली, सारा खान, सारा खान, सॉरी 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 सारा खान। It's just Sara Khan. You don't know. Listen. मैं क्यों मुंह से निकला? Just because of the actress मुंह से वो निकला. I'm really sorry. Just make sure that you take my name right. Because I take your name right. Sara, you know. Yes. चलो. मिल्क आया, मिल्क मिल्क दूध और प्रोटीन साथ में पियेंगे। पता नहीं वो नहीं केसिन का केसिन अलग है ना। हाँ एक डस्टबिन रख दो ना प्लीज। साढ़े साढ़े दस लीटर ओह गरम गरम दूध है। आए हाय ये लोग भी आ गए। थैंक यू थैंक्स पायल। For what? For spotting? Garam dut ki. Oh, for the dustbin. For the dustbin. Oh my God. Kya hi lag raha hai, matlab kya hi pee raha hai. Aur char din hota taste bhul jata. Phir aap kuch bhi bana ke dete, humko lagta haan doodh hi hoga. But thank you. Itna bhi atyachar nahi karne ke liye. Ya phir shayad bakre ko taiyar kiya ja raha hai. Aaj kuch aisa karwane wale ho, jo na kabile gawara ho. लेकिन जस्ट आपने दूध पिलाया तो दूध का कर सबको चुकाना पड़ेगा। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट कांग्रेचुलेशंस मुनव्वर यार, डेट शीट्स, थैंक यू। क्या है आपका? चारी चीजें तो आई हैं। इम्यूनिटी सबसे पहली चीज। बहुत बहुत शुक्रिया इस कांच की बोतल के लिए और खजूर के लिए। क्या शुक्रिया? जीत के लिए। क्या जीत के लिए? थैंक यू सो मच। और इसी तरह देखो चीज़ें देते रहो और टास्क देते रहो और इसी तरह हम जीतते रहेंगे, मज़े करते रहेंगे। अत्याचारी तुम लोग ने इतना बना दिया है कि एक खजूर खा के रोना आ रहा है। बेनकाब जोन में आए राइट ब्लॉक से मुनावर। मैं को अकेले को कल की विनिंग टीम, आज की विनिंग टीम के बारे में भी कुछ लिख देते थोड़ा बहुत। I think here. Yes. Hello. हमने तुम्हें चुना है डेयरिंग बाजी के खेल के लिए, तो तुमको एक डेयर कंप्लीट करना होगा। अगर करोगे तो तुम्हारी पूरी टीम को जेलर की तरफ से इनाम मिलेगा, चैन की नींद का इनाम, यानी अच्छे बेड्स, ब्लैंकेट्स एंड पिलोज। अब ध्यान से सुनो कि डेयर क्या है। तुम्हें ओपोजिट टीम के तीन गद्दों की वो हालत करनी है कि वो इस्तेमाल के लायक ना रहे। अगर आज रात लाइट्स बंद होने तक
तुमने वो कर लिया तो तुम्हारी टीम को तुम्हारी मेहनत का फल मिल जाएगा। तुम इस एक्टिविटी में किसी एक और कैदी की मदद ले सकते हो। मैं रेडी हूं करने को। मुनव्वर क्राइंग। नहीं, आई स्वेयर टू गॉड ही वाज क्राइंग। गया बाथरूम गया वो। क्यों? I'm going to do drama, cause मुझे पहले तो उनको ये बिलीव कराना पड़ेगा कि वहां क्या हुआ। Are you fine? What happened? घर पे बात हुई कुछ? क्या हुआ है? क्या हुआ? बोल। सीक्रेट्स जो हमको दिए हुए ना, वो सीक्रेट से रिलेटेड कुछ चीज थी। And they're like share that secret like in immunity के लिए। I said I don't want immunity। तो बोले कि इम्यूनिटी बहुत गंदा खेल रहे लोग, बहुत गंदा खेल रहे लोग। क्या हुआ? बहुत गंदा खेल रहे लोग। क्या देन इम्यूनिटी वर्ड? बोले व्हाट डू यू थिंक, इट्स अबाउट वोटिंग, इट्स अबाउट योर ऑडियंस, वी हैव राइट टू एलिमिनेट। तो निकाल दो। तो बोले कि ओके यू डोंट वांट टू शेयर सीक्रेट, ओके यू कैन वोट आउट नाउ। तो पब्लिक वोटिंग पे छोड़ा है ना, तो लोग हु वाज स्पीकिंग दीस पीपल टीवी पे, अंदर एक सामने टीवी है, हम लोग उस दिन ही देख रहे थे, सामने एक टीवी स्क्रीन है और टीवी स्क्रीन में ये जो यहां पे आता है ना वही वॉइस में बात कर रहा है। ये हुआ वो बाकी सबको करना पड़ेगा यार। ऑफ कोर्स ये डरती है, ये जो खेल रहे हो ना वो डर्टी है मुनव्वर, जो तुम खेल रहे हो ना डर्टी खेल रहे हो, लेकिन ये गेम इसी बारे में, पहले मुझे इनको मिसलीड करना पड़ेगा इस चीज़ को लेके कि मैं अंदर क्यों गया था। अब मिसलीड करने का 10 मिनट मैंने सोचा था, बट ये लोग 5 मिनट में ही मिसलीड हो गए, तो मैंने इनको ये यकीन करा दिया कि अंदर क्या हुआ। लेकिन 1 घंटा 55 मिनट है मेरे पास, काम पे लगते ब्रो, काम पे लगते ब्रो, काम पे लगते ब्रो, 2 घंटे का टाइम था। हाँ, 10 मिनट वेस्ट हो गए इसमें। हाँ, इनको मिसलीड करना जरूरी था कि मैं अंदर क्यों गया था। अरे क्या बात है, अंदर अब मिसलीड हो चुके हैं। ओके, इनके अंदर से कुछ नहीं होगा भाई, 3 बेड है ना इनके अंदर से अपने, इनके ग्रुप के 3 बेड बर्बाद करने हैं, 3 गद्दे इतने बर्बाद करने कि वो यूज़ करने के लायक ना हो, इसके बदले में हमको मिलेगी चैन की नींद, बढ़िया बेड, बढ़िया गद्दे, बढ़िया ब्लैंकेट। यू लिसन, यू तू है ना बिल्कुल भी चिंता मत कर, मैं तेरे को बता रहा हूँ। 1 घंटा 50 मिनट ही बचा है अपने पास भाई। अंदर का बाथरूम होगा, सीधा पानी डाल देंगे लिक्विड के साथ, ठीक है? सुन, ये बाथरूम दैट इज ओनली वेरी डिस्ट्रॉयड, पानी डाल दिया डिस्ट्रॉय हो गया, दे वोंट बी एबल टू यूज इट, कैसे सोएंगे उसके ऊपर? भाई आप हमें रोको, आप हमें रोको, आप ये नहीं कर सकते। ठीक है, आपको बोला गया करने के लिए,
Now you are breaking the rule. Okay. ये rule नहीं है. मुझे सजा दे दीजिए. ठीक है. ठीक है. ठीक है. सजा लीजिए. दोनों नहीं सजा लीजिए. बिल्कुल दो. सजा लीजिए. सजा लीजिए. एक मिनट. सजा दो. लग रहा है ये सब करके. बहुत कुल लग रहा है bro. अब ये task है तो क्या करूँ मैं? Showing your emotions over there. आज की बात touch मत करना. अगर आपको women, अगर आप चाहते हो कि boys आपसे तरीके से रहे, never touch a boy. एक सेकंड हटियो सुन मेरी बात. It's on camera. Don't, I don't know fight with you. I don't know fight with you. सुन आप बहुत बदतमीज हो. मुझे पता है आप बहुत बदतमीज हैं. मुझे पता है आप बहुत बदतमीज हैं. तू जितना सुथरा है ना सबको दिखता है. आप हाथ ना लगाएं. ठीक है. आप हाथ ना लगाएं. सुन इतने आप हाथ ना लगाएं. आप हाथ ना लगाएं. आज के बाद अंजलि आज के बाद हाथ ना लगाएं. किसने किसको हाथ लगाया? आज के बाद हाथ ना लगाएं. आई जस्ट वांट टू स्टॉप यू. अच्छा देखा है वो धक्का जो दिया ना आपने वो देख रही पब्लिक. वो कैमरा में पब्लिक बोलेगी. देखेगी ना गिरे में तो आप हो. दिख रही है आप गिरी में तो आप कर रहे हो ना धक्का मार रहे हो. दिख रहा है मुझे. वो मुझे दिख रहा है. वो मुझे नहीं दिख रहा है. मुझे भी दिख रहा है. तेजीन तेजीन प्लीज. आओ मम्मा आपकी मम्मा ने यही सिखाया ना आपको. यही सिखाया है. तो जैसा से कहते हैं ओके नाइस. आ जाओ नाइस. तो एक्यूज कर रहे हो ये कर रहे हो मोलेस्टेड कर रहे हो. लड़कियां धक्का दे रही है यहाँ पे. कोई कुछ बोलता ही नहीं है यहाँ पे. लड़के हाथ कर दे. लड़की मेरे ये कर दिया मेरा वो कर दिया. लड़कों को धक्के मारे लड़के बाहर की. कैसे किया आपको ये देखो. अब क्या बोलूं मैं. क्या बोलूं मैं. करो किया ना. आपको डीवैल्यू करके तो ठीक है. करो ना. कर दिया ये बाहर. क्या हो रहा था. काम डाउन. काम डाउन. काम डाउन. काम डाउन. मैं कंसर्ट दिखा रही थी किसी को. सिद्धार्थ ठीक है. उसको टास्क कैसे परफॉर्म करना था उसकी मर्जी है. उसका टास्क था छोड़ दो. ठीक है मत करो उस पे. हार पे टास्क है. अंडरस्टूड है. मैं बोल भी रही हूँ यहाँ पे. हम सबको टास्क मिलने वाले हैं. उस पे हार वो है. उस पे केमिकल्स है. मत कर केमिकल्स है. तो डालने से पहले सोचना था. नहीं सोच के डाला. हाँ तो किस हद तक तुमको टास्क खेलने हैं वो तुमको पता है. इट्स नॉट अबाउट यू बी मी. इट्स अबाउट हाउ यू प्ले द टास्क. यू प्ले मेड अस इमोशनल फूल्स. एंड इमोशनल फूल्स इवन मोर सो. नहीं मुझे बात ही नहीं करनी है. तो और क्या कर रहा है भाई. और क्या कर रहा है यार. हो गया ना. अब यूज करने के लायक ना हो. अब हो गया ना भाई. अब हो गया ना यार. छोड़ देना. अब हो गया तो उसको अब कर रहा है. मैं वहां से बाहर आया और तुमको आके बोलता कि चलो चलो एक गेम खेलते बाहर आ जाओ और तुम लोग यहीं खड़े रहो. मैं भाग के अंदर जा रहा हूँ. तुमको लगता है मैं तीन गंदे गद्दों पर पानी डालने का तुम मेरे को मौका देते. कि मेरे को इतना बुरा लग रहा था कि इसके घर जाने के चांसेस है. मत मेरे को इतना बुरा समझा ना. मुझे बुरा ये जो फंसाने का टेक्निक है कि मैं इनको फंसा के कुछ कर दूं और ये डाल दूं. वो करने के लिए और भी तरीके हैं. I had to miss. और अगर मैं इमोशनल हूँ तो उसको मिसलीड बोला गया था. करने मिसलीड मैंने ब्लाइंडली ट्रस्ट किया तेरे पे. मैंने ब्लाइंडली ट्रस्ट किया तेरे पे. नो तुम भले मेरे ये जो मैंने किया उससे तुमको लगा होगा मैं बहुत स्मार्ट हूँ पर यकीन मानो मेरे को बहुत भारी पड़ रहा है. वो बहुत दिल पे पत्थर रखे. नहीं वो तो तेरी गांड फटने वाली है और मैं तेरे को बता रहा हूँ. ओके तेरे दोस्त तेरे गए ये मैं तेरे को लिख कर दे रहा हूँ. दूसरी मुझे उसे कोई लेन देन नहीं. वो तेरे दोस्त है. यू हैव टू फॉरगेट अबाउट. बट हित में है. तू मेरी टीम का है इसलिए मैंने किया. बस ठीक है. सेल्फिश हित में नहीं है. सुकून की नींद का वादा पूरे टीम के लिए. बस फॉरगेट टीम के लिए मैं कुछ भी. बबीता को बबीता ठंड लगती है. अच्छे ब्लैंकेट्स अच्छे बैट्स सबको अपनी पूरी टीम को ये वादा. और दो चीज़ें बोली जो मेरे को याद थी. बस ठीक है. डन है. डन है. ये वही था कि अपन दो दोनों टीम में जो अंडरस्टैंडिंग थी ना दे वॉन्ट वो टीम टू फाइट. दे वॉन्ट देम. मैं वही सोच रहा हूँ. और मुझे ना दिस इज दे गिविंग इन टू ईजिली मैन. दे गिविंग इन टू ईजिली. दे वर गोइंग ईजिली. नाउ दिस इज द फर्स्ट थिंग जिसने घर में माहौल वैसा कर दिया. वो शिवम सही था पता है. बट उसको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है. कब अभी जो तुम बाल्टी भरने का वेट गुस्से में नहीं कर सकते. बाल्टी नहीं, नहीं उसके साथ टीम चाहिए. वैसे ही शिवम गुस्से वाली या सपोर्ट वाली
है, साइशा है, बट सबको सेफ खेलना है ना भाई. बट इट वॉजेंट ईजी हमने जो किया वो. दैट्स नॉट ईजी. नो नो, उसके बाद उन्होंने वेल एग्जीक्यूटेड. वेल एग्जीक्यूट. और भाई सीरियसली, मैं तो एक बात बताऊँ, हर लेवल होती है एग्जीक्यूट करने की. हाँ, कुब्बत तेरी और काबिल है तारीफ कि तूने दोस्ती को दाव पे लगा के हाँ, ये खेला है. हाँ, क्योंकि मुझे पता है ना कि ये करने में फ़ायदा ज़्यादा लोगों. नो रियली, नुकसान नुकसान से बेटर फ़ायदा है. गिव इट टू यू, है ना. गिन लो लाशें. हाँ, लाशें गिन लो. मुनव्वर, तुमको जेलर ने मौका दिया था अपनी टीम के लिए कुछ कमाने का और तुमने उसको सक्सेसफुली कमा भी लिया. इसीलिए अब राइट ब्लॉक के हर कैदी को मिलेगा अपना खुद का बेड. अरे यार, पायल का सनलाइट लाओ यार कहीं से. Congratulations, guys. Nice, nice, nice. Pink color. Very amazing. See this color. See this pink. Nice. Thank you. Nice fluorescent. Oh. This pink. Congratulations. Nice fluorescent. Munawar, thank you. मैं आके जम नहीं कर सकता, मेरा पैंट फट गया. अच्छा, मुझे मेरा थैंक यू. प्लीज, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे एक नया पैंट दे. भाई, केवी भाई के लिए भी एक बार. थैंक यू. अरे थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच. वन ब्लेड हेड ऑफ मोर. थैंक यू सो मच. गले लग यार, क्या कर रहा है तू? भाई, ये चेंज कर लेंगे आप. यू हैव नो आइडिया हाउ हैप्पी आई एम आफ्टर सीइंग दिस कलर. You have it's no your favorite idea. Also, this color. I wish I can say. Matlab, it is, yes. It is the most favorite color. With khajur? Why did you say, I wish I can say? I wish I can say why this is my favorite color. Oh, like that. Okay. Sara, हमारे भी दिन आएंगे. Of course, हमने अपने क्विड में स्क्विशी की शिकायत. हमें भी शायद कुछ मिल जाएगा.